हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे आप सब अपने घर पे। तो आप सभी को राधे राधे। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ चाय, और चाय के साथ हम बनाएंगे क्या बनाएंगे? पोहे। और यहाँ मैंने पोहे खाने से पहले अपनी चिप्स की पेट पूजा कर ली है, क्योंकि मुझे बहुत तेज आज भूख लग रही थी। और हाँ, आज हम एक नई सब्जी बनाने जा रहे हैं जो यहाँ राजस्थान में ज्यादा यूज होती है। ये दिखाती हूँ आपको, ये पापड़ और सेव की सब्जी यहाँ बहुत ज्यादा बनती है। तो ये जब बनेगी तो आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, हमारा चाय नाश्ता हो गया, अब हो रही खाने की तैयारी। तो हमने बताया था हम बनाएंगे पापड़ और सेव की सब्जी, उसके लिए बना रहे ग्रेवी। इसमें डाला है प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। अब मैं पहले इसको पीस लूं, फिर दिखाती हूँ। इधर मैं आटा भी गूंद रही हूँ साथ ही साथ। ये आटा भी गूंद रहा है। ठीक है। अभी मसाला पीस लूं पहले, फिर दिखाती हूँ। वो क्या कह रही है? तो देखो हो रहा है, तो मैंने रख दिया कढ़ाई में तेल गरम होने। और अब पहले तलेंगे पापड़। इसके लिए पापड़ को तलना पड़ता है जब बन गए मस्त सब्जी। पापड़ तल लो, फिर मिलती हूँ आपसे। तो पापड़ तल गए, इसमें डालेंगे जीरा और अब तलेंगे मसाला। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर। अब इसको अच्छे से भून लेंगे पहले, सारे मसाले को मिक्स करके भून गए। तो इसमें अब हम डालेंगे गरम मसाला, थोड़ा ज्यादा डालेंगे क्योंकि थोड़ी स्पाइसी सी अच्छी लगती है सब्जी। दो तरीके के अब इसमें डालेंगे, ये क्या है? ये काली मिर्ची है, हल्की सी काली मिर्ची। भर के नहीं डालेंगे यार, फिर वो पेट में आग फूक देगी अच्छे से। भर के वो भी आग फूके ही पेट में। और हाँ गाइस, ये देखिए, ये रखे हैं सेव पापड़। ये तले हुए पापड़ है, इनके हमने टुकड़े कर लिए हैं। और ये रही सेव, ये रतलामी सेव है। अब ये हम इसमें डालेंगे। तो ये गई इसमें रतलामी सेव। तू लाडो को ले लेना, एक मिनट पानी दे। तो ये सारा मसाला मिक्स हो चुका है सेव पापड़ में। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आपकी मर्जी, आप इसको गाढ़ा खाना चाहो तो गाढ़ा। दो के तीन तरीके से बनती है, जैसे सूखी सेव पापड़, एक रस्ते की सेव पापड़, एक ग्रेवी टाइप सेव पापड़। अब आपकी इच्छा है आपको कैसे खाना है। आज हम बना रहे हैं ग्रेवी वाले, थोड़े गाढ़े। और हम बना रहे हैं ग्रेवी वाले, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बना रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, अभी तो इसमें पानी और एड होगा क्योंकि सोखते है ना पापड़ पानी इसमें। ठीक है, अब ये बन जाएगी, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनी। तो देखो गाइस, जो हमने डोको पाल के लिए ड्रेस बनाई थी, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, ग्रीन कलर की ड्रेस। लाडो तो कह रही है बस मुझे दे दो इनको, इतने सुंदर लग रहे हैं ना इसलिए। देखो मैंने चोलिया ना ऐसी बनाई है, और ये बांधने वाला बनाया, मैं पीछे से आपको दिखाती हूँ। एकदम प्यारे प्यारे, ये पीछे ना डोरी है, प्यारे लग रहे हैं। चलो कान्हा जी के लिए सब लोग कमेंट में राधे राधे लिख देना यार, कितने सुंदर लग रहे हैं यार। राधा रानी दीवानी हो जाएंगी, काना की दीवानी हो जाएंगी। राधा रानी कन्हैया जी गाना गाएंगे, राधा रानी मेरी है मेरी है। हमारे लाडो को ही नहीं हो रहा सबर, उसको ये लग रही बस। लाडो क्या हुआ, गाना चाहिए? ला लाडो को दिखा दो गाना। लो लाड़ कर दो, नहीं ऐसे नहीं, प्यारी कर दो प्यारी। इसको प्यार कर रही है, प्यार देखो। बस हो गया प्यार, बाय बाय। राधे राधे सोने, राधे राधे सोने नहीं, सॉरी ड्रेस चेंज करने। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो शाम हो गई है, हम सब पी रहे हैं चाय, और वीरान जो है ना गुस्से में बैठा है क्योंकि आज उसकी आंख में लग गई है बहुत ज्यादा चोट। क्या हुआ? मनस्वी बाहर से आ रही, ये अंदर से आ रहा, दोनों की हो गई टक्कर। ये देखो वहाँ, देखो बेटू वहाँ देखो, ये देखो इसकी आंख में, ये यहाँ पे लग गई, दिख रही नहीं है, पता नहीं इसमें तो।
तो बहुत तेज चोट लग गई थी इसकी, ऐसा लग रहा था यहाँ से खून सा आ गया ऐसा। तो हमने चाय के साथ खाए हैं आज पापड़। मिलती हूँ अभी आपसे। देखो पूरी प्लेट चट कर गई है लाडो रानी, किसी को दे भी नहीं रही, छूने नहीं दे रही। ओ लाडो दीदी ने ले लिया, छूने नहीं दे, उसने देखा ही नहीं, वो फोन दिख रहा है उसको उधर, फोन में जा, फोन तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे शीतल बना रही है खाना, मैं हूँ पार्लर में बिजी, क्योंकि ना मेरे दो तीन कस्टमर थे, एक को फेशियल एक को वैक्स और दो जन को ना आईब्रोज करानी थी। फिर मैंने बोला था आप शाम को आ जाना, क्योंकि दोपहर में ना मेरी थोड़ी सी तबीयत ऐसी हो रही थी तो मैं सो गई थी, फिर मैंने उसको शाम को बुलाया था। शीतल यहाँ रोटियाँ बना रही है, वैसे शाम को मैं वैसे रोटी में ही बनाती हूँ, और ये लाडो रानी कचरे से खेल रही है डस्टबिन से। और यहाँ हमने शाम का खाना बना लिया थोड़ा जल्दी 7 बजे ही, और सब्जी में बनाई हमने ग्रेवी वाली सोयाबीन और सूखे आलू। तो हमने शाम का खाना वाना खा लिया है, वो शाम में मैंने क्या बनाया था वो मैं आपको दिखा नहीं पाई। वैसे हमने शायद सोयाबीन की सब्जी और है ना सूखे आलू, मतलब ग्रेवी वाली सोयाबीन बनाई थी, और ना वो मेरा भाई बोला कि मैं सोयाबीन नहीं खाऊंगा, मुझे ना सूखे आलू खाने, तो उसके लिए सूखे आलू बनाए थे। और उस समय मैं क्या पार्लर में बिजी थी, तो हमने थोड़ा खाना ना जल्दी बना लिया था। और तो शीतल ने बनाया था, शीतल ने रोटी वगैरह बनाई थी, और वैसे मैं बनाती हूँ रोटी, पर उसने बनाई थी। तो बस ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। यार मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि मैं पार्लर में कई मतलब 3-4 घंटे तक खड़ी रही, आईब्रो अपर लिप और ना किसी की वैक्स और फेशियल भी करना, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो दोस्तों ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें गलती से भी। प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ दोस्तों। मैं आपके लिए इतना ये सब मतलब वीडियो शूट करती हूँ, अपना पूरा घर पूरे दिन का आपके साथ रूटीन शेयर करती हूँ, और कान्हा जी के साथ क्या से क्या क्या करते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उनके साथ पूरे दिनचर्या जो होता है वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी, अगर आप लोग मुझे कॉमेंट में पूछेंगे तो। और हाँ, मैंने जैसा कान्हा जी के लिए सावन आ रहे हैं तो उनके लिए एक न्यू ग्रीन कलर का ड्रेस बनाया, वो वीडियो मैंने आपके साथ मतलब आधा है उसमें मैंने फुल लुक है ना इस वाले व्लॉग में दिखाया है, तो आप ये वाला व्लॉग ज़रूर देखें। तो अभी के लिए गुड नाइट। और हाँ देखिए, सुबह का मेरा तिलक लगा है, अभी मैं जाऊंगी फेस वॉश करूंगी और अपना वही नारियल तेल लगाऊंगी और सो जाऊंगी। तो गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।